हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके RBI असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो RBI असिस्टेंट में आपको पता है क्वांट जो सेक्शन होता है, तो ये क्वांट सेक्शन जो है आपका प्री में भी होगा और मेंस में भी होगा। तो उसके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उससे पहले आपको पता ही होगा कि हमने एक 5 वीक प्लान आपको दिया है। उस 5 वीक प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, क्योंकि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज का, वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, अगर मैं आपको इनके बेसिक फॉर्मूलेज बता दूं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम पीरियड से और डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमारा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट? और अगर हमें अमाउंट निकालना हो कि भाई हमने अपना पैसा, सपोज सिंपल इंटरेस्ट अपना पैसा लोन पे दिया या कहीं सेविंग बैंक अकाउंट में रख दिया, तो हमें चार साल पाँच साल या 10 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, अगर वो निकालना हो तो इनिशियल प्रिंसिपल जो होता है उसमें अगर आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे सारे सालों का तो आपका अमाउंट आ जाता है, राइट? अगर ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो काफ़ी सिंपल हो जाता है, जैसे नाम ही है इसका सिंपल। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, इसमें थोड़ी सी स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। वैसे तो ये भी बहुत टफ नहीं है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, तो उसमें भी अगर मैं पहले अमाउंट की बात करूं, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस आर, आर है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और ऊपर आपका आता है नंबर ऑफ ईयर्स, ये होता है आपका अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है? अब यहाँ पे जो आर होगा ना, वो एनुअल भी हो सकता है, वो हाफ ईयरली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। अब अगर सपोज करो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेमी एनुअली दे रखा है, यानी कि 6 महीने का दे रखा है, और अगर आपको 2 साल का निकालना है तो 2 साल 2 ईयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हाफ ईयर्स हो जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आधे साल का ले रहे हो, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट आधे साल का ले रहे हो तो आपके जो साल हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि 1 साल है तो उसमें 2 हाफ ईयर्स होंगे, 2 साल है तो उसमें 4 हाफ ईयर्स होंगे, राइट? ऐसे अगर आप क्वार्टरली ले रहे हो, अगर आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज आपको दे रखा है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, बट आपका जो बैंक है वो आपको हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट आपको बैंक में डाल देता है, यानी कि क्वार्टरली मान लीजिए, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, तो उस केस में क्या होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 नहीं होगा, 8/4 2 हो जाएगा इस फॉर्मूले में, 2%, और नंबर ऑफ ईयर्स मान लीजिए आपने पैसा 4 साल के लिए रखा है तो 4 × 4 quarters यानी कि 16 quarters हो जाएंगे, तो आपका जो n हो जाएगा यहाँ पे n आपका 16 हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब ये मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट बताया है, राइट? तो अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो कि भाई कितना हमने इंटरेस्ट अर्न किया, तो उसमें आप प्रिंसिपल माइनस कर दो, वो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आई थिंक ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको क्लियर ही होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, आपने देखा होगा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा, p1+r/100 raised to the power n। तो इसमें एक चीज़ होती है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो एक चीज़ होती है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो वो क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1+r/100/n, ये तो सेम रहता है। अब यहाँ पे r वही आपका क्वार्टरली होगा या एनुअल होगा, जो भी होगा, उसमें से हम -1 कर देते हैं तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आ जाता है। ये भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे जब हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे, इसका भी क्वेश्चन आएगा तब इसको मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा, राइट?
तो हम सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इंक्रीज टू 219.7% ऑफ इट्स वैल्यू एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कह रहे हैं हमने अपना पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया और वो पैसा तीन साल में कंपाउंड एनुअली तीन साल में 219.7% हो गया। कहने का मतलब क्या है, ये 219.7% इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो वो पैसा अपने से 2.197 टाइम्स हो गया। ये दोनों एक ही बात है, अगर आप परसेंट बोलो या फिर इसको टाइम्स में कन्वर्ट करना है तो ऐसे, मतलब इतना गुना हो गया आपका पैसा, 2.197 इतना गुना पैसा आपका हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन लिख देता हूँ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इक्वेशन तो मैंने आपको बताई थी क्या होती है, प्रिंसिपल 1+R, आर आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 रेज टू दी पावर, कितने साल हैं, तीन साल हैं और कंपाउंड एनुअली है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बन गया ये 2.197p, ठीक है। आई थिंक इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये प्रिंसिपल है, हमारा पैसा तीन साल में 2.197 टाइम्स बन गया, ठीक है। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे अगर आप पी को उस तरफ ले जाएंगे तो पी से पी कट जाएगा भाई, पी से पी कट जाएगा। तो अब इसको आप देखो इक्वेशन को, 1+R/100 इज इक्वल टू 2.197। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब आपको लग रहा होगा क्यूब रूट निकालना थोड़ा मुश्किल है, पर जनरली आप एग्जाम में देखेंगे हमें जनरली एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ही दिए जाते हैं, यानी कि डेसिमल्स में बहुत रेयर ही चांस होता है कि आपको ये क्यूब या स्क्वायर दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है ना। तो एग्जाम में जनरली नहीं देते हैं, बट दे भी सकते हैं, आप ऐसे 100% श्योरली भी नहीं कह सकते। तो अब हम पहले कोशिश करते हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अब वो आप कैसे पता लगाएंगे, अब आप देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, ये तो सबको पता है। और 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 भाई, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो हमें हमारा जो ये क्यूब है ये ना, ये 1 के क्यूब से बड़ा है और 2 के क्यूब से छोटा है, ठीक है। तो अब मैं इसकी मिडिल वैल्यू लेके देखता हूँ, 1.5 का क्यूब क्या होता है, अब पहले 1.5 का स्क्वायर करो, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, जो कि खुद ही इससे बड़ा है, तो क्यूब तो और भी बड़ा होगा ना, तो 1.5 तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमें श्योर हो गया कि 1.5 से छोटा होगा। अब 1 और 1.5 के बीच में क्या क्या लाया करता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब आप देखो 1.1 हमें पता है 11 ही हो गया एक तरीके से, डेसिमल हटा दो तो हमें पता है 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि 1.21 हो गया, और इसको फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 1.331, वो तो छोटा है तो ये भी नहीं हो सकता, तो अब इन तीनों में से कोई होगा। तो अब आपको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप इन तीनों में से कौन सा होगा आप खुद देखो कि किसके, अब इनकी यूनिट डिजिट देखो, इसकी 1.2 की यूनिट डिजिट है 2, तो 248 इसका क्यूब होगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 होगी, जबकि इसकी 7 है। 1.3 है उसका क्यूब जो होगा उसकी यूनिट डिजिट 7 होगी, क्योंकि 3 × 3 9 होता है, 9 × 3 27 होता है, तो 7 होनी चाहिए ना। तो 1.3 का ये क्यूब हो सकता है, अगर तो ये परफेक्ट क्यूब है तो ये 1.3 का हो सकता है, तो वो आप चेक कर लो एक बार साइड में कैलकुलेशंस में अपनी। तो 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 होता है 1.69, उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर यही आएगा 2.197। तो आप ऐसे पता लगा सकते हो, ज़्यादा बिना मतलब कैलकुलेशंस भी करें आप थोड़ा सा ऐसे आइडिया लगा सकते हो, तो उससे आपका टाइम भी बच जाता है एग्जाम में। आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने लिखा है, ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आप फर्दर देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1+R/100 इज इक्वल टू 1.3 का क्यूब है ये, ठीक है ना, ये हमने पता लगा लिया 1.3 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब यहाँ पे आप काट दो एक बारी को, तो 1+R/100 कितना हो जाएगा 1.3, तो अब यहाँ से आप निकाल लो R/100 कितना हो गया 0.3, यानी कि R हमारा हो गया, R कितना हो गया 30% हो गया R हमारा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन अगर आगे पढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेम सम इज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट
इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट बिकम 7 times. अब कह रहे हैं अगर वही पैसा जो हमने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया था, अगर वही पैसा हम अपना इन्वेस्ट कर दें सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमारा पैसा 7 गुना कितने टाइम में बन जाएगा, मतलब हमारा प्रिंसिपल जो है वो 7p कितने टाइम में बन जाएगा। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही गया, तो अब हम इसको इजीली कर सकते हैं, राइट। तो अब चलो इसको इक्वेशन लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो उसमें अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दें, अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दें तो हमारा प्रिंसिपल 7 गुना कितने टाइम में बन जाएगा, यही तो हमारी इक्वेशन बनेगी। ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अब इस पी को अगर आप वहां ले जाएंगे तो एक पी आपका यहां माइनस हो जाएगा ना, तो इसको क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 6p, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां आप देखोगे पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आर, आर है हमारा 30%, तो आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू 6, यही तो आएगा। अब t को सॉल्व कर दो, t के लिए तो t इज इक्वल टू 6 × 100/30, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा 20 years। तो 20 साल में हमारा पैसा 7 गुना हो जाएगा अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे उसको लगाएंगे 20 की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 30% पे, तो 30% पे हमारा पैसा 7 गुना होएगा 20 साल में। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी 20 years, तो 20 years में हमारा पैसा 7 times हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले पता थे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो गया, राइट। तो कोई भी आपको इस क्वेश्चन में क्वेरी हो, डाउट हो, तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आपको हम आंसर दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन टू। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन टू ये क्या कह रहा है, अ मैन बोरोड अ सर्टेन सम अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो कह रहे हैं एक आदमी ने पैसा बोरो किया, और जो पैसा बोरो किया उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भाई लेंडर था वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ले रहा था, और बैंक से लिया उसने लोन, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, कहने सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसका मतलब कैलकुलेट हुआ वो इतना है, ₹3840 वो सेकंड ईयर का है, और थर्ड ईयर का ₹4608, राइट। अब हमें बताना है कि उसने कितना पैसा बोरो किया था, फाइंड द सम। तो उसने बैंक से इनिशियली कितना पैसा बोरो किया था। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट फिर भी ये क्वेश्चन बहुत सिंपली हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, हमें यहाँ पे पूरे पूरे फॉर्मूले लिख के सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन को, फॉर्मूले का यूज तो होगा ही, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वो दिमाग ये लगाना है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है, सेकेंड ईयर का हमें दे दिया इन्होंने 3840, राइट, और थर्ड ईयर का इन्होंने हमें बताया कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 4608, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो कि सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ब्याज, आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, राइट। तो ये डिफरेंस होता है बेसिक, वो तो आपको पता ही होगा। तो अब इसमें आप देखो, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, तो कहने का क्या मतलब है, 4608 - 3840। अब आप इसको करो 8, 6, और ये हो जाएगा आपका 15 - 8, 7, तो 768 आ रहा है। तो इनका डिफरेंस आ रहा है 768, मतलब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एक साल में 768 रुपीज से बढ़ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, अगर मैं 768 को अपने सेकंड ईयर के इंटरेस्ट से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा जो परसेंटेज आ जाएगा, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो मुझे एडिशनल इंटरेस्ट मिला है, ये मुझे क्यों मिला है, ये मुझे अपने सेकंड ईयर के इंटरेस्ट पे ही तो मिला है। आप ध्यान से देखें तो ये एडिशनल जो मुझे मिला है, ये मुझे अपने सेकंड ईयर के इंटरेस्ट पे ही तो मिला है। तो अगर मैं इसको अपने सेकंड ईयर के इंटरेस्ट से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 20%। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अब यह क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास एक वेरिएबल आ गया ना इंपॉर्टेंट, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ अब आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो हमारे पास आ गया आर, हमारे पास आ गया 20% कंपाउंडेड एनुअली, ये भी ध्यान रखना है आपको बहुत ज्यादा कि कंपाउंडेड एनुअली है, सेमी एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, ये बहुत ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं अगर बात करूं, ये जो मेरा था 3840, ये जो मेरा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था, ये कैसे आया होगा भाई? इस ये 20% तो ये प्रिंसिपल का होगा, 20% तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट का होगा, ठीक है, और 20% होगा इसमें 20% ऑफ पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो भी तो इसमें इंक्लूड होगा ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है ना। तो ये 3840 मिला है, कुछ तो इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल पे होगा, और कुछ जो इसमें इंटरेस्ट होगा वो पहले साल के फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट का भी तो पार्ट होगा ना। और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपको पता है कितना है, 20% ऑफ प्रिंसिपल, ये भी हमें पता है। तो अब आप देखो 20% ऑफ 20% कितना होता है, 20% ऑफ 20% हो जाता है 4%, तो 20% ये प्रिंसिपल का और 4% ये प्रिंसिपल का, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 24%। तो ये जो हमारा 3840 है ये 24% है किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है। अब इसको मैं अगर ढंग से लिख दूं आपके लिए, इसको थोड़ा और बेटर मैं लिख देता हूं, तो ये जो 3840 है ये प्रिंसिपल का 24% है, 24% है। तो इसको आप ऐसे देखो, अगर इसको आप ऐसे लिख लो, अगर 24% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3840, तो प्रिंसिपल का 1% कितना होगा, 3840 डिवाइड बाय 24, ठीक है। और 100% निकालना है ना हमें, तो प्रिंसिपल हमें तो फाइंड द सम, हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, आपने कितना बोरो किया था, तो 100% ऑफ प्रिंसिपल कितना होगा, 3840 डिवाइड बाय 24 इनटू 100। तो इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये हो जाएगा 24 144, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो ये 160 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है, 16,000 होता है, कितना होता है 16,000। तो हमारा आंसर आ गया 16,000, यानी कि उसने जो बैंक से बोरो किया था 16,000 रुपये बोरो किए थे। देखो सिंपली हो गया क्वेश्चन ये, बस थोड़ा सा इनिशियली आपको जो ट्रिक मतलब इसमें जो ट्रिक थी वो ये थी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना था, आपको जो ये आपने 20% का निकाला वो निकालने की थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था कि हमें तीसरे साल का इंटरेस्ट और पहले साल का और दूसरे साल का इंटरेस्ट माइनस करके निकलेगा। तो देखो कॉन्सेप्ट, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा ना तो आप ये क्वेश्चन कर लेते, अगर आपको ये ट्रिक ना भी पता होती आप खुद ये ट्रिक सोच लेते। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी 16,000, राइट। तो इस क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, मेरे को लगता है क्वेश्चन 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंड कैसे हो रहा है, एनुअली हो रहा है, हर साल कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। ऑन अ सर्टेन सम एट 20% पर एनम, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया 20% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, हमें टाइम पीरियड भी दे दिया, आर भी दे दिया, टी भी दे दिया, इज 1152। तो हमें कह रहे हैं कि 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, उनमें जो डिफरेंस है वो है 1152, यानी कि 3 कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 3 सिंपल इंटरेस्ट हमें बता रहे हैं कितना है, 1152 है, ये हमें बता रहे हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि अगर हम हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द सम, हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाता है अगर हम प्रिंसिपल को कुछ अज्यूम कर लें, तो थोड़ा सा सिंपल भी हो जाएगा क्वेश्चन ये। क्या कह रहा हूं मैं, कहने का क्या मतलब है, अगर मैं मान लो प्रिंसिपल को मान लू 100, एक बार को उसको 100 मान के चलते हैं, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करके उसको अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल पे लेके आ पाएंगे। कैसे, अब मान लो प्रिंसिपल 100 है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 साल का कितना हो गया, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का 20 रुपए, दूसरे साल का 20 रुपए और तीसरे साल का 20 रुपए, क्योंकि 20% है ना, तो ये हमारा हो गया 60 रुपीज। बट अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल का तो 20 होगा, बट दूसरे साल में 20 तो 100 पे 20
100 हमारे प्रिंसिपल पे 20% और जो इंटरेस्ट है उस पे भी तो 20%, यानी कि 4 और ऐड कर दो ना भाई, 24 हो गया ना। और उसके बाद जो होगा वो कितना होगा भाई उसमें, अब आप कैसे कर सकते हो इसको ऐसे अलग अलग प्लस करने की बजाय, बड़ा सिंपल तरीका है कि 20 तो पहले साल का, अगले साल का इंटरेस्ट 20 × 1.2 और अगले साल का 20 × 1.2 का स्क्वायर। इस तरीके से आप 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब इसको प्लस कर दो, 20 + 20 × 1.2 कितना होता है 24 और प्लस 20 × 1.2 का स्क्वायर यानी कि 20 × 1.44, तो ये निकाल लो 14.4 × 2 यानी कि 28.8, राइट। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे अब हम, तो ये हमारा आ जाएगा 60, 68, 72, तो 72.8 आ गया हमारा, हमारा जो इंटरेस्ट आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का वो आ गया 72.8। तो सिंपल इंटरेस्ट आया था 60 रुपये और कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 72.8। तो आप देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट से हम ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग की शक्ति या पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसमें हमारा पैसा बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है भाई, जितना ज़्यादा आपका ये कंपाउंड होगा भाई, अगर हर महीने कंपाउंड होगा तो और ज्यादा रुपए मिल जाएंगे, तो उस हिसाब से होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फिगर्स आ गई हैं। तो अब तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बचा ही नहीं है, अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, तो अब इसको हम कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। तो हमारे पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 72.8 और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 60। तो मैं इसको अगर लिख दूं आपको, इनका डिफरेंस जो है, इसको डिफरेंस को लिख देते हैं, 72.8 - 60, तो डिफरेंस आ गया 12.8 का। अब आप देखो इसको, आप ध्यान से समझना, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये था, या फिर इसको मैं घुमा के लिख देता हूं थोड़ा सा, घुमा के मतलब अगर हमारा डिफरेंस जो है वो 12.8 था तो हमारा प्रिंसिपल था 100 रुपये, ठीक है ना, हमने 100 रुपये तो प्रिंसिपल मान के किया इस क्वेश्चन को। अब मैं कह रहा हूं अगर मेरा डिफरेंस हो 1 रुपये, भाई यहां पे मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, आपको समझ में आ ही गया होगा यूनिटरी मेथड। तो यहां पे अगर मेरा डिफरेंस होता 1 रुपये तो मेरा प्रिंसिपल कितना होता, 100 / 12.8, राइट। बट हमारा डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 1152, हमारा डिफरेंस है 1152, तो 100 / 12.8 × 1152। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ पे, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे, वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9000। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9000, यानी कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो है 9000, यानी कि ऑप्शन सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन ये बहुत टफ नहीं था, बस यहाँ पे आपको वही समझना था कि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक अज्यूम करके चलना था। वैसे तो आप x लेके भी कर लेते, पर 100 को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा हम उसको विजुलाइज भी कर पाते हैं। कई बार x के चक्कर में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठते हैं, तो आपको जो भी आसान लगे तरीका 100 से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली हम 100 को लेके कर लेते हैं और उसको बाद में फिर यूनिटरी मेथड लगा के उसको हम ओरिजिनल अमाउंट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 9000। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है और उस ग्रुप पे हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड क्वेश्चंस पोस्ट करते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि RBI ग्रेड बी, UGC नेट, NABARD ग्रेड ए, SEBI ग्रेड ए। तो इस टाइप के जो प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं उन सभी के बारे में हम आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप पे शेयर करते हैं। उसके अलावा इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, वो अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स यहाँ पे पोस्ट करते हैं और उनके क्वेरीज और डाउट्स हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी सॉल्व करती है। तो काफ़ी बेनिफिशियल ग्रुप है अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली RBI असिस्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये ग्रुप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। ऋषि बोरोड ₹84,000 फ्रॉम चेतन एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे कोई ऋषि है जिसने
84,000 रुपीस बोरो करे हैं 20% इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंडिंग कैसा है, एनुअली कंपाउंडिंग है, राइट। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना है आपको। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही क्लियर्ड अ सर्टेन पार्ट ऑफ व्हाट ही बोरोड। तो कह रहे हैं उसने भाई 84,000 बोरो किया ना, तो आपको यहाँ पे हमने बताया कि उसने 84,000 बोरो किया है, तो कह रहे हैं उस 84,000 का कुछ पोर्शन तो उसने पहले साल में पे कर दिया, और फिर क्या कह रहे हैं, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही रिपेड थ्राइस द अमाउंट ही पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मान लीजिए उसने पहले साल में एक्स पे किया और दूसरे साल में उसने इस एक्स का 3 times यानी कि 3x पे कर दिया, और 3x पे करने में पूरा का पूरा लोन उसका चुकता हो गया। तो कहने का मतलब है जो उसने दूसरे साल पे किया ये 3x अमाउंट, उससे उसका पूरा का पूरा लोन रीपे हो गया, ठीक है ना, लिखा है ना क्लियर द इंटायर लोन, राइट। अब हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, हमें निकालना है x कि उसने पहले साल के बाद कितना पैसा रीपे किया था चेतन को, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन बना के इसको इजीली कर सकते हैं, सिंपल अपनी इक्वेशन बनाएंगे अगर हम, तो ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो पहले आप देखो जो ये 84,000 बोरो किया है ये एक साल बाद ये कितना बन जाएगा भाई, इसमें एक साल का इंटरेस्ट जोड़ दो सिंपल, तो 1.2 क्योंकि 20% इंटरेस्ट है ना, तो 1.2 हो गया। तो 84,000 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, इसको अगर आप कैलकुलेट कर लो तो सिंपली ये हो जाएगा आपका, ये आप अपना सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1008, तो ये हो गया आपका 1008 यानी कि 1,800,000, ये आपकी फिगर आ गई 1,800,000। तो एक साल बाद आपका ये जो लोन है इसकी वैल्यू या इसकी अमाउंट हो जाएगी 1,800,000, इसमें हमने इंटरेस्ट जोड़ दिया। अब देखो आप, अब कह रहे हैं उसने एक साल बाद यानी कि ये जो उसका अमाउंट हो गया लोन का, उसने इसमें से एक्स पे कर दिया ना, एक साल बाद उसने एक्स अमाउंट पे कर दिया, तो एक्स अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट होगा इस पे फिर से हम इंटरेस्ट लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दूसरे साल बाद फिर उसने जो पे किया होगा वो कितना पे किया है, टोटल सारा का सारा पे कर दिया यानी कि 3x। ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो क्योंकि ये इक्वेशन अगर आपने बना ली इसका मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। ये तो हो गया अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, भाई फर्स्ट ईयर के बाद कितनी अमाउंट थी, ठीक है ये अमाउंट थी आफ्टर फर्स्ट ईयर, इस अमाउंट का इसने एक्स पोर्शन तो पे कर दिया, तो ये जो ब्रैकेट है ये हो गई हमारी रिमेनिंग अमाउंट, राइट। इस रिमेनिंग अमाउंट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, तो रिमेनिंग अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो फिर जो फाइनल फिगर होगी वो होगी लोन की अमाउंट की, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उसने कि पूरा का पूरा लोन पे कर दिया सेकेंड ईयर में, यानी कि पूरा का पूरा लोन उसने पे किया है 3x, राइट। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम, राइट। तो सिंपल है, अब तो बहुत कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, तो इस 1.2 को अगर आप यहां ले जाओ तो मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं 100800-x = 3x डिवाइड बाय 1.2। तो अगर आप 3 को 1.2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.5, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1,800,000-x = 2.5x। तो अब इसको अगर आप x को उस साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर राइट हैंड साइड ले जाऊं x को, तो 1,800,000 = 3.5x। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया, अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ आपके लिए, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई फाइनल, 1,800,000 = 3.5x। तो यहाँ पे आप x को x के लिए सॉल्व कर लो, अब तो सिंपल ही हो गया 1,800,000 / 3.5। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखो आप, तो ये आपका हो जाएगा 1,800,000, इसकी एक जीरो हम एक्स्ट्रा यहाँ पे लेके, तो ये आपका हो गया 35 × 2 = 70, देन 30, तो 35 × 308 है, तो 828, तो ये आपका हो जाएगा 280, देन 20, तो 288, तो 28,800 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये आपकी फिगर आ जाएगी 28,800, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में उन्होंने जो ऋषि है उसने 28,800 रुपीस पे करे होंगे चेतन को आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी 28,800, राइट। तो इस क्वेश्चन में भी बस जो की था यहाँ पे
मतलब इस क्वेश्चन में भी जो समझने वाली चीज़ वो ये थी कि हमें सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी। तो अगर जिसने भी ये इक्वेशन बना ली होगी सही से, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया होगा। और ये इक्वेशन जो बनानी है ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये सिंपल आपकी लीनियर इक्वेशन थी। तो आई होप ये तो क्वेश्चन मोस्टली लोगों का सही हुआ होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5। ये हमारा आज का फाइनल क्वेश्चन है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग मीरा डिपॉजिटेड रुपीज 5000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो एक मीरा है, उन्होंने 5000 रुपए डिपॉजिट करे जिसपे उनको 10% सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 सालों के लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच मोर मनी विल शी हैव इन हर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो और वो भी सेमी एनुअली। तो भाई वो कह रहे हैं अगर सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करने की बजाय मीरा ने अपना पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया होता, और वो कंपाउंड जो है वो कंपाउंडिंग कैसी है, सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, ट्वाइस, साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, राइट। तो कह रहे हैं उनको कितना एक्स्ट्रा पैसा उनके अकाउंट में होता अगर उनको सिंपल इंटरेस्ट की बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार इसको जल्दी से देख लो। तो अगर मैं पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूं, तो जो 5000 रुपए हैं, 5000 रुपए हैं, 2 साल में उनको कितने उस पर इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, पहले साल 10% और दूसरे साल भी 10%, यानी कि टोटल 20% इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। तो 5000 का 20% कितना होता है, 1000 रुपए। भाई 500 मिलेगा पहले साल और 500 मिलेगा दूसरे साल, तो 2 साल में 1000 रुपए उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा डिपॉजिट किया है तो। बट अगर वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट हुआ है, तो यहां पे आप ध्यान से देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो है कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। तो यहां पे आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहां पे सेमी एनुअली होगा, ठीक है ना, 1 प्लस R/100 / T टाइम पीरियड। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, बट 10% तो पर एनम है ना, पर हमें तो निकालना है सेमी एनुअली 6 महीने का, तो 6 महीने का 5% हो जाएगा, सिंपल। और टाइम पीरियड हमें गिवन है 2 ईयर्स, तो 2 जो है वो तो ईयर्स में है, बट हमें चाहिए हाफ ईयर्स, आधे साल। तो 2 ईयर्स का मतलब क्या होता है, 4 हाफ ईयर्स। भाई 2 साल में, अगर 2 साल है तो उसमें 4 आधे साल हो जाएंगे ना, 4 हाफ ईयर्स। तो इसको इक्वेशन को आप लिख लो, 1 प्लस 5, क्योंकि 10 / 2 5, तो 1 प्लस 5/100 और टाइम पीरियड हो गया 2 × 2, 4 ईयर्स हो गए ना। तो 1 प्लस 5/100 रेस टू दी पावर 4, और इसमें -1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, -1 जरूर करना है। तो इसको मैं यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ आपके लिए, इसको एक बार मैं यहाँ पे आपके लिए इसको क्लियरली करके लिख देते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो आया था 1000 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया था 1000 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें तो कितना आ रहा है, 1 प्लस 5/100 रेस टू द पावर 4 - 1। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 21.55%। इसको आप सॉल्व करके देखना, ये आपका आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई यहाँ पे तो था सिंपल इंटरेस्ट में था 20% 2 साल का, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का हमारा बन रहा है 21.55%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा ये होता है कि इसको अगर आप डायरेक्टली अपने प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, डायरेक्टली प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 साल का, यानी कि हमारा प्रिंसिपल है 5000, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 21.55 से तो मेरा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर आएगा 1077.5, यानी कि 1077.5 ये आपका आ जाएगा, राइट। तो अब आप इसको लिख लो, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1000 और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1077.5। और हमें निकालना क्या था, हमें यही बताना है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे उनको कितना एक्स्ट्रा उनको अर्निंग हो जाएगी। तो भाई कितनी अर्निंग एक्स्ट्रा हो रही है, अब तो बहुत ही सिंपल है, 1077.5 - 1000, तो उनको 77 रुपीज और 50 पैसा, इतनी जो है ना, इतनी फालतू अर्निंग होगी, इतनी एक्स्ट्रा अर्निंग होगी अगर
अगर उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो तो। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, रुपीज 77.5। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन में भी अगर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंडा पता था या इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता था तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सिंपल था, बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, राइट। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या डिस्कस करा है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिस्कस करा है, हमने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करा है। इसके अलावा मैंने जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन कवर करे हैं, तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि मैं इस कॉन्सेप्ट में, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं इसके हर एस्पेक्ट को ले लूँ। तो मैंने इसलिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको किसी भी आने वाली वीडियो के बारे में पहले से ही पता चल जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी अच्छी आई हैं। आपको पता ही होगा 926 वैकेंसीज निकाली हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो इस बार सिलेक्शन के चांसेस जो हैं दे आर वेरी वेरी हाई। अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर लो और हमारी वीडियोज रेगुलरली देखो और रेगुलरली अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी करोगे तो ये एग्जाम करना आपके लिए काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो हैव अ गुड डे।